हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। हम आज आपके लिए लेके आए हैं शुगर कैन मशीन। हमने इसकी पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन ये मॉडल है सब अपग्रेडेशन वाला मॉडल है, जिसके अंदर पहले जो मॉडल था उससे ये मॉडल को अपग्रेड किया हुआ है हमने। और हम आज आपके लिए लेके आए तीन मॉडल लेके आए हुए। सबसे पहला ये मॉडल है जो मैनुअल मॉडल है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता है, हैंड से ऑपरेट होता है, आप हैंड से इसको ऑपरेट करते हो कर सकते हो। दूसरा मॉडल है जो 220 वोल्ट है, 220 240 वोल्ट पावर पे चलने वाली मॉडल है। और तीसरी ये मॉडल है जो 220 वोल्ट 240 वोल्ट से भी चलेगी, बैटरी से भी चलेगी, और बैटरी मशीन के साथ अंदर इनबिल्ट रहती है। इसके अंदर आपको अलग से कोई इन्वर्टर लगाने का जरूरत है, ना ही कोई बैटरी अलग से कोई लगाने का जरूरत है। मशीन के अंदर इनबिल्ट बैटरी लगाए हुए रहता है, जो मैक्सिमम आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप मिलता है, जिसकी वजह से आप कोई भी आउट लोकेशन पे जहाँ पे बिजली पावर नहीं है वहाँ पे भी ले जाके इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम आज आपको तीनों मशीन की टोटली ऑपरेट करके वीडियो बताएंगे, तीनों मशीन को ऑपरेट करके बताएंगे। तो आप वीडियो को पहले से लेके एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज की नॉलेज जानकारी मिले और मशीन में क्या क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, कैसे ऑपरेट होती है, वो सब हम आपको जानकारी देंगे वीडियो। सबसे पहले हम आपको ये मशीन की जो मैनुअल मशीन है इसको ऑपरेट करके बताएंगे, इसको आपको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, ये जो नॉर्मल शुगर कैन रहता है वो शुगर कैन है जो मार्केट में हर एक जगह पे अवेलेबल उपलब्ध रहता है। ठीक है, इसको अपने को ऑपरेट करके हैंड से इसको ऑपरेट करना है। जैसे आपको हैंड से इसको ऑपरेट करना है, एक बार लगाने के बाद छोड़ देना है आपको। ये देख सकते हो आप पूरा, ये देख सकते हो आप पूरा। इसके अंदर गियर फंक्शन, गियर बॉक्स ये सब लगाया रहता है, जिसके हिसाब से यहाँ पे व्हील पे लोड कम मिल रहा है। आप देख सकते हो पूरा रस यहाँ पे निकल के आ रहा है, पूरा चीजें हो गया। ये पूरा कैन क्लियर होकर शुगर कैन आ गया है पूरा, आप देख सकते हो पूरा इसका पूरा क्लियर हो चुका है पूरा, आप देख सकते हो पूरा। ये देखिए ये पूरा इसमें से 90% रस निकल गया टोटली, इसको आपको दोबारा लगाने का जरूरत नहीं है इसको। अब ये यहाँ से आपको रस निकाल के बताएंगे इसमें से, और ये इसका खाली इसके साथ इंक्लूड रहता है, जो रस निकलता है पूरा छान के पूरा क्लियर करके निकलता है, आपको सीधा कस्टमर के हाथ में सर्व करके देना है इसको। ये आप देख सकते हो पूरा, ये पूरा डाला हुआ रस है, क्लियर किया हुआ है, इसके अंदर ना तो कोई कचरा है, ना तो कोई डस्ट है, कुछ भी है, सीधा आप कस्टमर को दे सकते हो। अगर कस्टमर को आइस डालना है तो आउटसाइड पे उसके ऊपर आइस है, कोई मसाला है, कुछ भी लगा के आप उसको दे सकते हो। यहाँ पे इसका जो थाली रहता है, ये गालने के लिए थाली रहता है पूरा, आप देख सकते हो उसको, इसमें पूरा ये क्लियर हो जाता है रस इसका, जो भी कचरा रहता है ऊपर की साइड आ जाता है इसमें। और इसको आप वॉश भी कर सकते हो, उसे निकाल के इसको धोना है, साफ करना है, वॉशिंग करना है तो कर सकते हो आप। अभी दूसरे नंबर में आपको इसका इलेक्ट्रिक मशीन का डेमो देंगे, इसको ऑपरेट करके बताएंगे कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले हमने इसका प्लग है जो लाइट में दिया हुआ है, ये बोर्ड के अंदर हमने प्लग दिया हुआ है इसको, यहाँ पे इसका साइड में स्विच दिया गया है, इसका यहाँ पे स्विच दिया गया है, स्विच को अपने ऑन करेंगे, इस साइड घुमाएंगे तो परफेक्ट साइड जाएगा, उस साइड घुमाएंगे तो रिवर्स आएगा, उल्टा घूमेगा। अपने इसको स्टार्ट कर दिया है, आप इसका आवाज भी देख सकते हो, पूरा जीरो आइस है, जरा भी आवाज नहीं आ रहा है, जरा भी नॉइज नहीं है। जो पहले की जो मशीनें आती थी उसके अंदर बहुत सारी आवाज आ रही थी, वॉइस आ रही थी, आवाज आ रही थी। अभी इसमें अपने शुगर के रेट करेंगे। अगर आपको ऐसा कोई नींबू या कुछ भी लगाना है, ऑरेंज नींबू ऐसा कुछ लगाना है तो आप पहले इसमें एंटर कर सकते हो, ऐसे इसको एंटर करके यहाँ से गन्ने को लगा देंगे। देखिए
लगाने के बाद भी ऐसा नहीं कि लोड होएगा खड़ा रह जाएगा मशीन, आपको उल्टा घुमाना है, रिवर्स घुमाना है वापिस, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये पूरा क्लियर हो चुका है, बस देखिए आप, ये देखिए इसका क्वालिटी देखिए, सब नीचे गिर रहा है, देखिए आप, ये देखिए मशीन में जरा भी आवाज नहीं है, जरा भी खड़ा भी नहीं रहेगा मशीन। पूरा हैवी लोड वाला हैवी गियर लगाया हुआ पूरा मशीन है, पूरा अपग्रेडेशन किया हुआ मशीन है पूरा है। इसमें अपने स्विच बंद कर देंगे, इसका इसमें से भी अपने रस निकाल देंगे इसमें से। ये देखिए पूरा और पूरी मशीन की बॉडी स्टेनलेस स्टील 304 फुट ग्रेड मटेरियल की बॉडी रहती है। अभी यहाँ पे लोग देख सकते हो पूरा, यहाँ पे मैंने पूरा स्टिकरिंग डेकोरेट करके दिया हुआ है। आप जो भी आपकी शॉप का नाम भी बताएंगे तो पूरा नाम भी हम इसके ऊपर स्टिकरिंग के ऊपर लिख के बता देंगे, लिख देंगे। अभी हमें आपको तीसरी मशीन है जो हमारी बैटरी ऑपरेट है, इसकी मशीन की आपको डेमो देंगे। इसमें फिलहाल कोई प्लग लगा नहीं है, कोई वायर नहीं लगा है, कोई प्लग कुछ भी लगा हुआ इसके अंदर नहीं है अभी फिलहाल। अभी इसमें ऑलरेडी ये बैटरी से चल रही है मशीन, यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है बैटरी का, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपने स्टार्ट करेंगे इसको, ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है अभी। देखिए पूरा आपको इसको पकड़ने का भी जरूरत नहीं है, और भी इसके बाद रख के आपको छोड़ देना है इसको, आपको फिर टच भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली पूरा खींच लेगा इसके अंदर। देखिए पूरा, देखिए आप देख सकते हो पूरा, देखिए यहाँ से मशीन हम बंद कर देंगे इसको। यहाँ पे मशीन को आप नीचे की तरह दबाएंगे तो रिवेस घूमेगा, अगर उल्टा रिवेस में घुमाना है आपको तो नीचे का बटन है वो दबाने से रिवेस करेगा वो। पूरा ग्लास भर गया है इसका, इसका फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो मशीन का। यहाँ पे इसका रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच दिया गया है, जिसमें आपको रिवर्स करना है फॉरवर्ड करना है इसका स्विच है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, चालू बंद करना है इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है। मेन लाइन है, मेन पावर है, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर दिखाएंगे आपको, और कितना आपका बैटरी भरा हुआ है इस पे दिखाएगा कि कितना अभी बैटरी आपका पावर है। अभी इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 लाइट जली हुई है, इसलिए 5 पॉइंट बैटरी फिल है, 95% बैटरी भरी हुई है, 1 पॉइंट फिनिश हो चुका है उसका। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैटरी ऑपरेट का डिस्प्ले दिया गया है। और अगर आपको इसको 220 वोल्ट से चलाना है या बैटरी को चार्ज करना है, अगर आपको 220 डायरेक्ट पावर से इसको चलाना है, कोई भी शॉप में या कहीं पे पावर है तो उससे ऑपरेट करना है, तो ये प्लग दिया गया इसका, ये प्लग आप लगा के 220 से चला सकते हो, या बैटरी फिनिश हो चुका है तो उसको पावर करना है, आपको चार्ज करना है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा बैटरी। आपको अलग से कोई इन्वर्टर या कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है इसमें, यहाँ पे इसको प्लग लगा देना है आपको, ये प्लग लगा दिया हमने। अभी ये जो बोल रहे थे वो सीधा आपको डायरेक्ट 220 की लाइन पे देना है इसको, 220 वोल्ट पे डायरेक्ट देना है। ये 220 का बोर्ड है, इसको देने से यहाँ पे इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा इसका, जो आपको बता देगा कि आपने 220 का पावर दे दिया है इसको, यहाँ पे इंडिकेटर शो कर देगा आपको, आप देख सकते हो पूरा। अभी आप इसको डायरेक्ट 220 से चला सकते हो कंटिन्यूसली। अभी हम आपको इसका पीछे का फंक्शन भी बताएंगे, पीछे बैटरी जहाँ पे इंस्टॉल किया उसका ओपन करके बताएंगे आपको। इसका बैक साइड का लुक है, पूरी पीछे का लुक है मशीन का, जहाँ पे आपको मेंटेनेंस के लिए इसको ऑपरेट करना है तो यहाँ से आप बैक लुक चेक कर सकते हो इसका। ये इसका डोर है, यहाँ पे 4 वोल्ट लगते हैं इसको, अभी हमने इसको ओपन रखा हुआ है, ये निकालने से इसका फंक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें 2 बैटरी लगाया हुआ है, एक बैटरी यहाँ पे लगाए, 1 बैटरी यहाँ पे लगाए, 2 बैटरी लगाया हुआ है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे
एक बैटरी यहाँ पे, एक बैटरी वहां पे लगा है। ये इसका मोटर है, गियर मोटर डाला हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर चेन लगाया हुआ है। बाकी सब कंपनियों में यहाँ पे बेल्ट लगता है। बेल्ट लगने से शुगर केन अगर हैवी या कुछ भी रहता है तो बेल्ट फिसल जाता है और आपकी मशीन बंद हो जाती है, खड़ी रह जाती है। ये मशीन में चेन लगाए जिसके हिसाब से फिसलेगा नहीं। जितना भी आपको जो भी क्वालिटी का शुगर केन होगा, इसमें ये चेन लगने से ये फिसलेगा नहीं। जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड यूज करेंगे, ये रुकेंगे नहीं मशीन। और यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए अगर आपको खोलना है, ग्रीसिंग करना है, तो ये गियर बॉक्स पूरा रहता है। इसको आप ओपन करके यहाँ पे इसको ग्रीसिंग कर सकते हैं। हम इसको भी आपको ओपन करके बताएंगे कैसे इसको ओपनिंग करना है। इसको हमने इसका अभी 4 वोल्ट ओपन कर दिया। इसका 2 वोल्ट यहाँ लगते, 2 वोल्ट यहाँ लगते, इसको ओपन कर दिया है। अभी इसको हम आपको ओपन करके बताएंगे। इसको इसका बॉक्स ओपन करेंगे। इसका तो यहाँ पे आप देखिए पूरा गियर बॉक्स, हेवी ड्यूटी गियर बॉक्स, सिंगल डबल ट्रिपल, यहाँ पे 3 गियर बॉक्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये पूरा चेन लगाया हुआ है इसके अंदर। आप देखिए बाकी सब मशीनों में यहाँ पे बेल्ट लगी रहती है। बेल्ट लगने की वजह से ये पूरा फिसलता है, इसको टर्न लगा देता है इसके अंदर। अगर हैवी शुगर केन आपने लगाया तो घूमता ही रहेगा, फिर आपको रिवर्स करो, फॉरवर्ड करो, वापस रिवर्स करो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अब देखिए पूरा ये, और यहाँ पे कोई ग्रीसिंग कुछ करना है तो ये खोल के आप इसको ग्रीसिंग यहाँ पे कर सकते हो इसके अंदर। ये खाली ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम की जगह पे कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होते, फुल ग्रेड या रस्ट पे यूज नहीं होता है। खाली ग्रेड सिस्टम है जहाँ पे ग्रीसिंग होता है इसके अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। मार्केट में जो मशीन मिलती है उससे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है हर एक चीज के अंदर। हमने आपको सबका डेमो दिखाया, आपको किस टाइप की मशीन है, क्या ऑपरेट करना है आपको। और आज की तारीख में हमारी सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा कॉन्टेक्ट करना है, तो हमारे यहाँ कंपनी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंपनी का नंबर है यहाँ पे 7575050675 9601298282। ये नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके हर एक प्राइसिंग है, क्या डिटेल्स है, हर एक जानकारी इसके ऊपर ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी रोज नई नई प्रोडक्ट है, रोज हम क्या नया लॉन्च करते हैं, क्या लगती है, हर एक चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।